देखो सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था इस पिक्चर के अंदर की लव स्टोरी को देखकर। भाई बेटी की उम्र की है, कौन सी एंगल से उसको वाइफ बना दिया, कौन सी एंगल से यार। तो देखो यार इस पिक्चर से मुझे जितनी ज्यादा उम्मीदें थी उतना उम्मीद तो मेरे बापा मुझसे भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना उम्मीद होने के बावजूद भी ये पिक्चर मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं। तो असल में हम अखंड नम की पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इस पिक्चर को रिसेंटली हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया गया है। पिक्चर को हिंदी वर्जन में डब किया है फिल्मी फॉर वेपने, जहां पर इस पिक्चर की जो डबिंग है उतनी ज्यादा खास नहीं है लेकिन देखने लायक है। तो देखो इस पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे पर्सनली कैसा लगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अखंड नम की जो पिक्चर निकल के आई है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वो एक ड्रामा एक्शन मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल आपको देखने के लिए मिलता नंदमुरी बालकृष्ण, प्रज्ञा जायसवाल एंड श्रीकांत मेका के अलावा और भी काफी से लगा। पिक्चर को डायरेक्ट किया है बहुत ही जाने माने डायरेक्टर बोयापति सिरु ने। देखो यारो हम पहले बोयापति सिरु की जो पिक्चर है उसको देख चुके हैं, जैसे की रायनाडू जो की बहुत ही अच्छा खासा एक मसाला वाला पिक्चर था, लेकिन अखंड जो पिक्चर निकल का ये वो मुझे पर्सनली उतनी ज्यादा खास नहीं लगी है, मानो खास ही नहीं लगी है। ऐसा क्यों? देखो इस पिक्चर की जो लेंथ है लगभग 2 घंटे 47 मिनट की है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा लंबा है। और इतना लंबा पिक्चर को देखते रहे मुझे इरिटेशन फील हो रहा था कि भाई मैं पिक्चर को क्यों देख रहा हूँ। लेकिन तुम सबको भी तो बताना है कि भाई पिक्चर कैसा है जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा है। देखो इस 2 घंटे 47 मिनट लंबे पिक्चर के अंदर आपको देखने को क्या मिलते हैं, बस एक्शन, और वो वाला एक्शन नहीं एकदम मसाला वाला एक्शन। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मसाला वाला एक्शन क्या होते हैं, जिसमें लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर आप बाय चांस इस पिक्चर को लॉजिक के साथ देखने बैठोगे तो भाई आपके दिमाग की दही हो जाएगी। तो मैंने इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे जितना सारा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस पिक्चर की एकमात्र जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगी है वो इस पिक्चर की एक्शन, बस मसाला वाला एक्शन, जो कि मुझे काफी पसंद आती है। लेकिन एक्शन वो भी मसाला वाला, सिर्फ एक्शन नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्शन के अंदर लॉजिक होता है, बट इस मूवी के अंदर जो एक्शन दिखाया गया है वो पूरी तरह से मसाला वाला एक्शन है जिसकी वजह से लॉजिक गायब है। अब शुरू करते हैं इस पिक्चर की नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो पहले नेगेटिव पॉइंट निकल कर आते इस पिक्चर की कहानी। कहानी को लेकर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार इस पिक्चर की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, मानो कि 90s के जमाने की है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर जो धर्म को लेकर जो सारे बातें बताई गई है उसको मैं अस्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी धर्म के लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो इस पिक्चर की कहानी को सेटअप करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप को क्रिएट किया गया है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है, क्योंकि देखो उसी फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इमोशन क्रिएट किया जाना चाहिए था वो बिल्कुल मिसिंग है। और वही पे क्या देखने के लिए मिलते है, हीरो और हीरोइन के बीच में प्यार, बस उसी को लेकर फर्स्ट स्टेप को पूरी कवर कर दिया गया है। क्योंकि देखो इंटरवल के पहले एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर हमें भी इमोशनल फील होना चाहिए था, क्योंकि पिक्चर के अंदर इमोशनल सीन चल रहे, लेकिन भाई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम इमोशन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि पहले से तो भाई हमें इमोशनल नहीं किया गया है, पहले से बस वही लव स्टोरी दिखाई गई जो कि हमें देखना नहीं है। अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई वो निकल कर इस पिक्चर के अंदर की छोटा मोटा वीएफएक्स का काम, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। और भाई इस पिक्चर के अंदर लॉजिक की तो मां बहन कर दी, तो भाई मुझे पता है फिर भी मैं बोल दिया। अब अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई वो निकल कर इस पिक्चर के अंदर की लव स्टोरी। देखो इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर यानी कि नंदमुरी बालकृष्ण, उनकी उम्र लगभग 61 है, और इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्ट्रेस यानी कि प्रज्ञा जायसवाल, उनकी उम्र लगभग 31 है, यानी कि 30 ईयर की डिफरेंस है। भाई कुछ तो सोचो यार, डायरेक्टर से कुछ तो सोच के ये लोगों को दिमाग खराब हो रहा है मेरे। देखो सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था इस पिक्चर के अंदर की लव स्टोरी को देखकर। भाई बेटी की उम्र की है, कौन सी एंगल से उसको वाइफ बना दिया, कौन सी एंगल से यार। फिर आगे जाकर उनको बच्चा भी हो जाता है, वो भी मानो नाते की उम्र की बच्चा, मानो इतना इतू सा हीरो के बच्चा यार, अरे यार क्या करूं मैं। इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर यानी नंदमुरी बालकृष्ण सर, उनकी एक्टिंग को मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इतना उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने जितनी बड़ी तरीके से एक्टिंग किया, चाहे बात करें एक्शन के टाइम या फिर कोई डायलॉग डिलीवरी, वो सही में काफी अच्छा है। लेकिन बाकी जितने भी सारे कलाकार है बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, मानो कुछ ऐसा साइड एक्टर था यानी कि उनकी पिक्चर के अंदर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक डायलॉग भी नहीं है। वो लोग बस क्या कर रहे भाई, खड़े रह के, मानो वो लोग परिवार का हिस्सा है, दिखा रहे वो लोग परिवार का हिस्सा है, पर उनकी कोई कम नहीं है। इस पिक्चर के अंदर इंटरवल के टाइम एक फाइट सीन आते जो कि मुझे इस पिक्चर की सबसे ज्यादा अच्छा सीन लगा, क्योंकि उस टाइम पे जो फाइट सीन हो रहा था वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा था, फील दे रहा था अंदर से। देखो भाई मैं पहले बोल दिया कि भाई इस पिक्चर के अंदर लॉजिक की बहुत ही ज्यादा कमी है, बहुत ही ज्यादा। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई पुलिस के पास कौन सी एंगल से AK-47 रह सकती है, मुझे ये बताओ।
पुलिस के पास कौन से एंगल से AK-47 दे सकते हो, वो क्या मिलिट्री है बहुत सड़क का। लेकिन इस पिक्चर के अंदर की एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, वो इस पिक्चर के अंदर जगपति बाबू के कैरेक्टर। यार मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कब मैं ऐसा पिक्चर को देखूं जिसमें जगपति बाबू विलेन की रोल प्ले ना करे, और वो पिक्चर निकल का ही है। मानो मुझे बहुत ही खुश रहता है यार, कितने मजा आ रहा था। इस पिक्चर के फर्स्ट हाफ को देखते रहे मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फील हो रहा था, लेकिन इस पिक्चर के सेकंड हाफ की बात करूँ तो उस टाइम पे जाने के बाद जो सारा एक्शन मोमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे वो सही में उतना ज्यादा इरिटेट नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा खासा लग रहा था। देखो ऐसे काफी सारे बंदे जो कि इस पिक्चर को बहुत ही अच्छे बोलेंगे, पर मुझे पता नहीं क्यों बोल रहे, क्योंकि एक मसाला वाला एक्शन पिक्चर है, बस एक्शन ही हमें देखनी है तो 2 घंटे 47 मिनट को हम क्यों बर्बाद करें। एक्शन देखनी बस एक्शन के टाइम हम देख के छोड़ देते हैं बस खत्म, लेकिन नहीं भाई हमें पूरा पिक्चर ही देखनी है, इतना ज्यादा क्यों इरिटेट हो जाता हूँ मैं। तो देखो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, तो अगर आपको ये पिक्चर पर्सनली पसंद आई है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पर्सनली काफी अच्छा नहीं बहुत ही बुरा लगा है, काफी अच्छा बोल बोल के ये आदत बन गई है। तो अगर आपने बायचांस पिक्चर को देख रखे पिक्चर को कैसे लगे हमें कमेंट के बता सकते हो, और अगर देखना चाहते हो ये पिक्चर अभी काफी सारे साइट पर हिंदी और फर्स्ट में अवेलेबल है अनऑफिशियली, तो देखो। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा ये पूरी पिक्चर यानी कि 2 घंटे 47 मिनट को बर्बाद करने के बाद मैं इस पिक्चर को एक नाम देना चाहता हूँ जो कि मैं बंगाली में बोलूंगा यानी कि अपनी भाषा में जघन्य। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मुझे पता है आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, अगर आपने देखा है तो आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट, चलो निकलो।